लजब तो पहुंच गए हैं, लेकिन जो कह रहे हैं कि भाई अगर बारिश हो गई तो, बारिश हो रही है वैसे, कह रहे हैं अगर और बारिश हो गई तो आप लजब तो पहुंच गए हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, जो मौसम है, वो साथ नहीं दे रहा। तो जगह तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जब हम पहुंचे हैं यहाँ पर, बादल ही बादल, और जो है ना ऊपर जो है बारिश होने का ख़तरा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर बारिश हो गई तो जो है ना पानी और ज़्यादा हो जाएगा और वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बहरहाल कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वादी की सैर कराने की। ज़बरदस्त वादी है और थोड़ा डर भी लग रहा है, अजीब किस्म का थोड़ा माहौल है। वादी लजब में पहुंच तो गए हैं, लेकिन वादी लजब का जो मौसम है वो कुछ फेवर में नहीं है, और कह रहे हैं कि भाई अगर बारिश हो गई तो, बारिश हो रही है वैसे, कह रहे हैं अगर और बारिश हो गई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखा सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। Thank you.
تو دوستو وادی لجب جو ہے نجران سے تقریباً کسی نے اگر آنا ہو تو نجران سے تقریباً جو ہے تقریباً 350 کلومیٹر دوری پر ہے. نجران سے سیدھا آئیں گے زہران جنوب سے پھر ایک راستہ نکلتا ہے جو جیزان کو جاتا ہے. ادھر سے آپ آئیں گے تو سیدھا یعنی کہ وادی لجب آتا ہے جو نجران سے تقریباً 350 کلومیٹر دور ہے اور بہت ہی اچھی جگہ ہے. یہاں پر یعنی کہ آنے کے بعد آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ سعودی عرب میں ہیں. جہاں پر سعودی عرب میں خشک پہاڑ ہیں اور لیکن ادھر آئیں گے تو آپ کو لگے گا یہاں پر سرسبز اور ایک الگ سعودی عرب آپ کو نظر آئے گا. تو جو بھی نجران سے بھی میرے دوست ہیں تو ٹائم نکال کے یہاں پر ضرور آئیں اور یہاں پر آ کر وزٹ کریں.